राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद। गोपालपुरा चौराहे पर ज्वेलरी की दुकान से 45 लाख के गहने चोरी। चौमू में फाइनेंस कंपनी के शोरूम के टूटे ताले। कालवाड़ में एटीएम लूट का प्रयास। विद्याधर नगर अग्निकांड मामले में निगम की जांच कमेटी पर सवाल। जिम्मेदारों को ही सौंप दी जांच। लापरवाहों पर कैसे होगी कार्रवाई। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आमजन को साध रहे मेयर। जयपुर टीम थीम पर सॉन्ग जारी। सिटीजन फीडबैक के हैं 35% अंक। 25 जनवरी को आएगी शहरी विकास मंत्रालय की टीम। जेडीए की लेट लतीफ। कर्मचारियों और अधिकारियों की कटेगी जेब। जेडीए सचिव ने वेतन भत्ते काटने के दिए निर्देश। बायोमेट्रिक हाजिरी से बचने और दफ्तरों से गायब रहने वालों पर गिरेगी गाज। एसएमएस अस्पताल में छोड़ गए लक्ष्मी। धनवंतरी ओपीडी के बाहर मिली करीब 4 महीने की नवजात कन्या। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। गुलाबी नगरी में अवैध निर्माणों पर सख्त। लोकायुक्त नगर निगम को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय। जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव भी रद्द। रजिस्ट्रार ने एडहॉक कमेटी को दिए 3 महीने में चुनाव करवाने के आदेश। रोहित झालानी को बनाया गया कन्वीनर। नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। लेकिन तस्वीरें सीधी पहले आपको दिखाते हैं भीलवाड़ा के अरोली गांव की, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं और बंजारा समाज के लोग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री राजे का अभिनंदन किया जब वो बिजौलिया पहुंची थी और वहां पर वो पार्श्वनाथ मंदिर भी गई थी और उसके बाद जैन समाज के कार्यक्रम में वो शरीक हुई। उसके बाद अब अरोली गांव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची है, जहां पर बंजारा समाज के लोग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे अरोली गांव से इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। फटाफट मिलिए सर, फटाफट। जगदीश जी, तो पूरा दिन भर का जो स्केड्यूल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहा, उसमें अब कह सकते हैं कि सीएम उस दौरे के आखिरी पड़ाव पर आज की अगर बात की जाए, क्योंकि अरौली गांव मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, बंजारा समाज के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उसके बाद उनका डिनर। अब मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा इस जिले की पूर्व जिला प्रमुख, तो बेहद अहम कह सकते हैं कि पूरा दिन भर जिस तरह से टाइट उनका रहा स्केड्यूल, उनका बिजी रहा, लोगों से मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा। हर वर्ग, हर तबके, हर समाज के लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की और उसके बाद जब वो बिजौलिया पहुंची, वहां पर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगवानी की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर अगवानी की और उसके बाद अब अरौली गांव पहुंची हैं, जहां पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं जयपुर सिटी का। जयपुर में बेतरतीब तरीके से गाड़ियां चलाने से अक्सर जाम लग जाता है और इससे आम जनता को काफी तकलीफ होती है। ऐसा ही आज शाम को राजधानी में देखने को मिला, जब खुद पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ही जाम में फंस गए। शहर के सीस के इलाके के युधिष्ठिर मार्ग में जयपुर पुलिस कमिश्नर फंस गए, तो उन्होंने मौका देख ट्रैफिक डीसीपी को फोन किया। वहां पर जवान ने आरके यहां पर हालात को संभाला। इसके साथ ही यहां पर फिर एक एम्बुलेंस फंस गई, तो कमिश्नर की फटकार से उसको पहले और बाद में साहब के एक एक करके सबको यहां से निकाला गया। यहां शाम के समय रोजाना ही कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है।
राजधानी के SMS अस्पताल के धनवंतरी OPD के बाहर बच्ची लावारिस हालत में मिली। दो महिलाओं ने इसकी सूचना SMS अस्पताल के पुलिस चौकी में दी। बच्ची 3 से 4 महीने की बताई जा रही है। पुलिसकर्मी बच्ची को SMS पुलिस चौकी लेकर आए। पुलिस बच्ची के परिजनों का पता लगाने के लिए SMS अस्पताल के CCTV फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। राजधानी में पिछले दिनों हुए दो बड़े अग्निकांड और उनमें हुई 5 दर्दनाक मौत के मामले में भले ही नगर निगम प्रशासन ने जांच कमेटी बना दी हो, लेकिन उस कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिम्मेदारों को ही घटना की जांच मिली है। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए खास रिपोर्ट में। राजधानी के विद्याधर नगर में 5 जिंदगियों को लीलने वाला अग्निकांड का जख्म अब भी हरा है। मामले की हर पड़ताल में असली गुनहगार के तौर पर बेदम दमकल बेड़े का चेहरा ही सामने आता है और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि अग्निशमन बेड़े की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। इस मामले में महापौर अशोक लाहौटी, आयुक्त रवि जैन, उपायुक्त फायर शिप्रा शर्मा और CFO जलज घसिया की भूमिका अहम नजर आई। जब इनसे जिम्मेदारी को लेकर सवाल किए गए तो ये एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डालते नजर आए। वहीं हैरत की बात तो ये है कि सरकारी लेट लतीफी के चलते मुख्य अग्निशमन अधिकारी का पद 1 साल से खाली चल रहा है। भयानक और दुखद घटना जयपुर में हुई। इसमें प्रथम दृष्टया देखने पर जो वायरलेस पे मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज नहीं जाने के कारण कुछ टेक्निकल और बड़े अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए। जो वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उसकी CD शायद नहीं खुल पाई जैसे जानकारी मिली। कुछ पर्याप्त मात्रा में लोग भी नहीं पहुंचे, तो इनको लेकर जो नाइट ड्यूटी पे और जो 3 लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी उनको सस्पेंड किया है। कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया है, कुछ लोगों को 17 CC के नोटिस दिया है, कुछ लोगों से एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, अलग अलग कार्रवाई इसमें की और एक टीम का गठन किया है कि किस प्रकार ये हो। इधर विद्याधर नगर अग्निकांड में 3 फायरमैनों को निलंबित करने के साथ CFO जलज घसिया को 17 CCA का नोटिस थमाया गया था। साथ ही उन्हें विद्याधर नगर अग्निकांड की जांच कमेटी से भी हटा दिया गया, लेकिन वे आज भी रोज गार्डन अग्निकांड की जांच कमेटी में हैं। इसके अलावा उपायुक्त फायर शिप्रा शर्मा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वो ये कि क्या उनका वायरलेस चालू नहीं था, क्या उनको घटना की जानकारी नहीं मिली, 3 घंटे बाद जानकारी मिली तो मौके पर क्यों नहीं पहुंची? मेयर और आयुक्त के मौके पर पहुंचने पर करीब 6 घंटे बाद ही मौके पर पहुंची, तो इतना सब होने के बावजूद उपायुक्त को इस घटना की जांच कमेटी में शामिल क्यों कर रखा है? घटना के बाद में इसका विवेचन भी किया जा रहा है, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जो इस घटना के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जांच करेगी। जहां तक लापरवाही का प्रश्न है कि उस जांच में अगर कोई लापरवाह पाया जाता है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं एश्योर करता हूँ, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। CFO ने हमको जानकारी दी और जो उसको फोन करने के बारे में ये जानकारी है कि उनको पहले ही सूचना मिल गई थी। इसके बारे में ही जो कमेटी है सबके बयान लेगी, सबसे पूछताछ करेगी और वायरलेस पर जो कॉल्स हुए उनकी भी डिटेल देखेगी। अगर कहीं पर ऐसा विरोधाभास हुआ तो जिसने अगर सही बयान नहीं दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन हादसों के जिम्मेदार संसाधनों की कमी, बजट का अभाव, अनट्रेंड कर्मचारी और ऊपरी तंत्र है जिसकी लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। गुलाबी नगरी में बेतरतीब बसावट को लेकर लोकायुक्त जस्टिस SS कोठारी सख्ती दिखा रहे हैं। लोकायुक्त ने जयपुर नगर निगम को अवैध निर्माणों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर लोकायुक्त जस्टिस SS कोठारी ने सख्ती दिखाई है। लोकायुक्त ने अवैध इमारतों के सर्वेक्षण के लिए निगम अधिकारियों को सर्वेक्षण कर और कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। इसके लिए लोकायुक्त ने 2 मानकों पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। पहले चरण में ऐसी बहुमंजिला इमारतें जिनमें नक्शे के विपरीत और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया है। इसी तरह से दूसरे चरण में उन 4 मंजिला इमारतों को चिन्हित करने को कहा गया है जिनमें अवैध निर्माण से 5वीं मंजिल का निर्माण कर लिया गया है। निगम अधिकारी सर्वेक्षण कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सभी जोन का सर्वे पूरा नहीं हो सका है, इस वजह से कार्रवाई भी पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन लोकायुक्त अब ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को समन देकर तलब कर रहे हैं, साथ ही उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दरअसल अभी तक आमेर जोन में 20 अवैध बहुमंजिला इमारतें
मानसरोवर में 12 अवैध इमारतें, सांगानेर जोन में 4 इमारतें और विद्याधर नगर जोन में 5 अवैध इमारतें मिली हैं और सभी के खिलाफ चालान पेश कर दिए गए हैं। वहीं 4 जोन उपायुक्तों ने सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया है। हवा महल पूर्व, हवा महल पश्चिम, सिविल लाइंस और मोती डुंगरी जोन उपायुक्तों को समन जारी कर 14 फरवरी को तलब किया गया है। लोकायुक्त ने अवैध बहुमंजिला इमारतों के सर्वे में ढिलाई करने पर इन 4 जोन उपायुक्तों को ये भी कहा है कि क्यों न उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 14 फरवरी को पेश होते समय उन्हें सर्वे कार्य पूरा करके पहुंचना होगा। यदि 14 फरवरी को वे सर्वे पूरा करके नहीं पहुंचे, तो कार्रवाई नहीं करने को लेकर उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे सर्वेक्षण कार्य यानी ऐसी 4 मंजिला स्वीकृत इमारतें जिनमें 5वीं मंजिल का निर्माण अवैध रूप से कर लिया गया है, उनका सर्वे कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। 4 मंजिला इमारतों में कार्रवाई की बात करें तो आमेर जोन में 10 4 मंजिला बिल्डिंग मिली हैं, जिनमें से 8 के खिलाफ चालान पेश किए गए हैं। मानसरोवर में 3 इमारतें मिली, सभी के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं। हवा महल पूर्व, हवा महल पश्चिम, सांगानेर के जोन उपायुक्तों ने कहा है कि अवैध इमारतें हैं ही नहीं। वहीं विद्याधर नगर, मोती डूंगरी, सिविल लाइंस उपायुक्तों ने अभी तक सर्वे का काम पूरा नहीं किया है। 4 मंजिला इमारतों में अवैध 5वीं मंजिल बनाने के मामले में लोकायुक्त 5 फरवरी को समीक्षा करेंगे। इसमें असंतुष्ट होने पर 3 जोन उपायुक्तों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा सकती है। कुल मिलाकर लोकायुक्त की सख्ती से ये उम्मीद की जा सकती है कि गुलाबी नगर में अवैध इमारतों पर अंकुश लग सकेगा। कांशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहरी विकास मंत्रालय की टीम 25 जनवरी के बाद जयपुर पहुंचेगी और इस सर्वेक्षण में 35% अंक सिटीजन फीडबैक के हैं। यहां से महापौर अशोक लाहोटी आज आमजन से अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में शहर को अच्छी रैंक आमजन की भागीदारी से ही मिल सकती है, ऐसे में वे इस मुहिम में सहयोग करें। इस दौरान आयुक्त रवि जैन ने स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, साथ ही साथ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निगम ने जयपुर टीम थीम पर सॉन्ग भी जारी किया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता का सर्वेक्षण है, 4000 शहरों का सर्वेक्षण है, 4000 मार्क्स का सर्वेक्षण है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सर्वेक्षण कोई एक नगर निगम का सर्वेक्षण नहीं है, ये हम सब 40 लाख लोगों के जयपुर का सर्वे है। प्लस इसके साथ साथ जो अन्य विभाग है, चाहे वो JDA हो, चाहे हमारी सब्जी मंडियाँ हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डे हो, चाहे हमारे यहाँ के जो रिको के इंडस्ट्रियल एरिया, उन सबका सर्वेक्षण है पूरे जयपुर का। सभी लोग मिलकर यदि हम ये तय कर लें कि हम अपने अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे और अपने घर का, रेस्टोरेंट का, दुकान का, ठेले ढाबे का कचरा सड़क पर खुले में नहीं फेंकेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जयपुर को नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता। की टीम अब कभी भी आ सकती है 25 से 30 के बीच में, और नगर निगम के पूरे अधिकारी, नगर निगम की पूरी टीम स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयार है। आपके माध्यम से मैं जयपुर की जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जयपुर की नगर निगम की टीम को पूरा सहयोग दें और नगर निगम को साफ सफाई रखने में अपना पूरा सहयोग दें, कूड़ा कचरा कहीं भी बाहर नहीं फेंके। राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विद्यार्थी प्रतिभा खोज परीक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और कोटा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति जीएल केशवा ने शिरकत की। इस दौरान प्रथम विजेता कल्पना शर्मा को 1,11,000 रूपये गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया, जबकि दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले कुलदीप सिंह को 51,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हेमंत चंद को 21,000 रुपए मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजक शरद परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि पहली बार इस प्रकार के कृषि से जुड़े एक प्रतियोगिता कराकर नौजवानों में कृषि के प्रति रुझान पैदा करने का जो काम किया है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान की कृषि के नवाचार के पंख लगेंगे और युवा साथियों का रुझान भी कृषि की ओर, नवाचार की ओर बढ़ेगा। इसलिए मैं मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सीधे आपको ले चलते हैं आरोली, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं, संबोधित कर रही हैं, वो सुनते हैं। तुम्हारा ही हिस्सा है।
तो हमारे यहाँ खड़े हुए, हमारे साथ बैठे हुए यहाँ हमारे मंत्री श्री शिवचंद जी कृपलानी, संसदीय सचिव नरेंद्र जी नागर, चेयरमैन साहब यूआईटी के श्री गोपाल जी खंडेलवाल, महिला मोर्चा के अभी मधु शर्मा जी, श्री किशन जी बंजारा और राजेंद्र जी बंजारा, हमारे लाडले प्रत्याशी श्री शक्ति सिंह जी, और अभी अभी जो हमारे शक्ति सिंह जी के लिए रिटायर हुए हैं, उनके पक्ष में रिटायर हुए हैं कालू लाल जी माली, जोर से ताली बजाओ भैया, जोर से। हाँ, और पूर्व जिला प्रमुख हमारी कमला जी धाकड़, बुझाओ कमला जी, आपका नाम है, उठो ताकि सब लोग इतना ताली बजा के जोर से कहें धन्यवाद आपको। और साथ में पूरे माली समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज मंच पे बैठे हुए हैं सब लोगों ने आके आज का ये इतना बड़ा काम किया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में आज यहाँ बैठे हुए मैंने हिम्मत सिंह जी से और खंडेलवाल जी से और यहाँ सब लोग जो बैठे हैं उनसे सबसे कहा कि मेरे को अरे राजू के गाँव में ले चलो, बंजारा गांव में चलते हैं अपन, लोगों से सबसे मिलते हैं और एक दफा मिलके टैक्स वसूल करते हैं, इनसे पूछो ये रोटी बोटी खिलाएंगे क्या रात को। तो उन्होंने तो वो बना दिया जैसे हमेशा बनाते शादियों में, पंडाल लगा दिया और वो करते, हमें तो ये थोड़ी चाहिए, हमें तुम्हारे हाथ की रोटी बनाते हो तो बताओ। हाँ तो बताओ, तो मैंने कहा मैं आने को तैयार हूं ताकि मैं सबसे एक दफा मुलाकात भी कर सकूं। और आप यहां आए तो इन्होंने खाली अपने समाज को नहीं बुलाया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं जिन समाजों ने यहां आके एक दफा अपना प्यार जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो भाइयों, सबसे पहले तो मैंने देखा ऊपर माल क्षेत्र के सब गाड़िया लोहार समाज की ओर से जिन्होंने स्वागत किया, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। गुर्जर समाज कहाँ है भैया, देखो हाथ ऊपर करो एक मिनट के लिए। गुर्जर समाज के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी समधिन खड़ी है डंडा लेकर, तो आपको समझना चाहिए जब समधिन आती है तो समधिन को संभालना पड़ता है, लड़की आपकी है लड़का मेरा है। सब गुर्जर समाज वालों को धन्यवाद। बैरवा समाज की ओर से जिन जिन लोगों ने मेरे को स्वागत किया उन सबको बहुत सारा धन्यवाद। यही राजपूत समाज कहाँ है, सब राजपूत समाज के लोग हाथ ऊपर करो, ऐसा मत करो, चार आदमी हो हाथ, हाँ दिखाओ मेरे को। यादव समाज के लोग उनको धन्यवाद, अल्पसंख्यक समाज के लोग उनको धन्यवाद, खारोल समाज, सैन समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, बैरागी समाज और हमारे ब्रह्मभट्ट समाज, जयसवाल समाज और पूरे राजस्थान घुमंतु बोर्ड से हीरालाल जी कालबेलिया आपको धन्यवाद, और मीना समाज की ओर से और तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के जो यहाँ हाँ साहु समाज तेली समाज पूरे सीधे वहीं से आते हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज इस शाम के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने बड़े प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया है। माताएं बहने, बंजारा समाज वाला हाथ खड़े करो तू, अरे वाह राजू तुमने, इसका मतलब तुमने बंजारा समाज को सबको ज्यादातर लाया है, मैं सोचा तुमने सबको मिक्स करके और अपना काम खाना पूरी कर ली, नहीं सब बंजारा समाज जोरदार तरीके से आए। अच्छा मैंने जब पूछा, मैंने कहा कहाँ होगा ये बंजारा समाज का, एक दफा तो दर्शन करके हम बाहर निकलेंगे, उन्होंने बोला आरोली गांव के अंदर, एक छोटे से गाँव के अंदर हमने ये तय किया है। हमने कहा खुशी खुशी चलेंगे और एक दफा उनसे मुलाकात करके उनकी शक्ल देख के उनसे मुलाकात करके उनको कह के कि इस बार ये तो बहुत अच्छा कार्यकर्ता है ही,
परंतु इसके साथ साथ पूरा परिवार जो जुड़ रहा अपने साथ है, उनको सबको मैं कैसे धन्यवाद दूं, अपने दिल से वो धन्यवाद देना चाहूंगा। और अच्छा, वो जो अपने को कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए। शंकर जी बंजारा कहाँ हो? शंकर जी हाथ ही खड़ा कर लो। शंकर जी बंजारा ने कहा मेरे को, आप इधर काहे को टाइम खराब कर रहे हो, हम तो आपको सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक कांग्रेस को वोट दिया नहीं है, और इस बार तो मेरे यहाँ एक भी वोट पड़े तो फिर मैं नाम अपना बदल दूंगा, मैं अपने यहाँ का कांग्रेस मुक्त बूथ रखने की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट कांग्रेस मुक्त बूथ। थैंक यू वेरी मच शंकर जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं, पर मैं बूथ देखना चाहूंगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि वाकई में कांग्रेस मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। है ना, मेरे पूरे परिवार के सब लोगों को मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात तो ये प्रेम है आज जो दिख रहा है। हम लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति बड़ा मने ऐसी चीज है, सब लोग सोचते हैं कि जो राजनीति में आते हैं उनका मकसद ही अलग है, परंतु मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे जगह में आ जाके आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, कि ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो लोग प्यार दे रहे हैं, आप प्यार देते रहोगे, अपना सहयोग देते रहोगे, अपना आशीर्वाद देते रहोगे तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप तो 24 घंटे भी दौड़ाते रहोगे, जितना दौड़ाना है उतना दौड़ाते रहोगे, हम आप लोगों के लिए दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। मुझे मालूम है कि इस बिजोलिया और इस इलाके के अंदर खनिज का काम एक बहुत बड़े तरीके से और बहुत बड़े लेवल पे चलता है। मैं आप लोग सबको यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये पिछले एक दिन का जो दौरा मेरा हुआ वो एक बहुत ही अच्छा दौरा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, और उस समय ये भी जानने का मौका मिला कि आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। लिख के तो जो आपने दिया वो तो दिया ही दिया, परंतु उसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसे भी कह के मुझे दी, जो आपने मेरे को ये कहा कि अगर आप इसको बदल देते हो तो इसका फायदा हमको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने बिजोलिया के अंदर कॉलेज की मांग की थी, याद है कि भूल गए सर? कॉलेज की मांग की, मैंने कहा कि कॉलेज को तो अपने को देना ही देना है, कॉलेज का आपका काम हो गया, मुझे बड़ी खुशी है कि उस समय अनाउंस कर दिया तो आप लोगों का कॉलेज हो गया, और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी बन जाए ताकि यहाँ के बच्चों को कॉलेज में जाने का फायदा मिले, और फिर यहाँ भी एक अच्छा IBBP का वो खड़ा हो जाए। इसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे को ये भी कहा कि मांडलगढ़ के अंदर आप लोगों ने पानी पिलाने का बहुत अच्छा काम कर दिया है, चंबल का पानी मांडलगढ़ तक आ गया है, परंतु हमारे यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक हम सोचेंगे कि काम अधूरा है। काम है मेरे को कहा था ना, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसके ऊपर हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और अब मैं आपको तब भी मैंने आपको कह दिया था कि मैंने पहले ही आप लोगों को उस समय कह दिया था कि आपका पूरा पता करने के बाद मार्च महीने के अंदर गर्मी के पहले आप लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगी, और वो काम चल पड़ा है, और वो काम ऐसा चल पड़ा है कि पानी आप तक मिलेगा, और जोर से ताली नहीं बजाओगे तो मैं पानी नहीं लाऊंगी। इतने सालों बाद आ रहा है भाइयों, मैंने तो ये देखा, यस मैंने ये कहा कि ये अपने को बहुत जल्दी लाके और सब लोगों को पानी पिलाने की जरूरत है। यहाँ काचोला के कोई आदमी बैठे हैं क्या? काचोला के है कोई? अरे भाई एक आदमी के थोड़ी बोलूंगी मैं फिर। हाँ वो आज आके आप कह जरूर देना काचोला में भी, क्योंकि काचोला में भी उन लोगों ने उस समय कहा था, और उस समय ही वापस जाके मैंने उसकी टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी थी, और मैं बताना चाहती हूँ कि आपका बहुत ही कार्य आदेश आपका जारी हो चुका है, यहाँ भी आपका काम होगा। ये लाइन डालने की मांग आप लोगों ने तब की थी, ये सब तीनों चारों चीजों को उसी समय हम लोगों ने करने की कोशिश की दी थी, क्योंकि आदमी को पानी नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। सबसे बड़ा काम यह है, मुझे लगता है कि चंबल का पानी आपके क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो उसके बाद आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब मेरे को एक चीज और बता दो,
मैं कीर्ति भाई साहब के लिए जब आई थी तो मुझे एक ऐसे रोड के ऊपर से चलना पड़ा था जिस रोड के ऊपर से मेरे तो हड्डियां हिल गई थी। मैंने उसी समय ये कहा था कि भाई इस रोड को ठीक करने की कोशिश करना है। रोड ठीक हुआ ना, वो जो रोड था उस बिजोलिया वाला रोड, उसको ठीक कर दिया। ठीक करने का काम चालू हुआ कि नहीं हुआ? वो नॉन पैचबल, मैंने कहा भैया इसको करो, इसमें इतने जोरदार गड्ढे थे, इसको तो पूरा खोद के बाद में निकालेंगे, पर अभी तो आप उसको ठीक करके रख दो ताकि लोग तो इसके ऊपर चल सके। और दूसरा, जब मैं बूंदी गई थी, मैंने 3 दिन का कार्यक्रम जब बूंदी किया था तो उस समय बूंदी से बिजोलिया का रास्ता भी चालू कर दिया था, तो मुझे लगता है कि अब सर सर आते हुए सीधे बूंदी आप लोग पहुंच जाओगे। बोलो जोर से बोलो भाई, कितने करोड़? 167 करोड़ का रास्ता है वो बूंदी से लेके बिजोलिया तक, और उसका फायदा पूरे लोगों को मिलेगा। भाइयों देखो, कई लोगों ने मेरे को ये कहा कि विकास क्या होता है। मैं खाली इतना ही बता सकती हूं कि आपको याद है कि जब कोई रूल नहीं था और आप लोग पंचायत के चुनाव लड़ा करते थे, याद है? उसके बाद हमने ये कह दिया कि जो 10वीं तक पढ़ा लिखा है वो पंचायत के चुनाव में लड़ने के लिए आगे आ सकता है, और आज 23 साल के लड़के, 24 साल के लड़के लड़कियां सब लोग सरपंच बन गए हैं, जिनको कभी मौका मिल ही नहीं सकता था, मिलता था? बताओ भाई, मिलता नहीं ना? अभी तो बेरवा समाज के वो कितने, क्या नाम था उसका, नारायण, हाँ 23 साल, कितना 24 साल, तुम्हें तो सपने में ही नहीं होता, सपने में ही नहीं होता। पर अब 10 साल, मैंने जब कहा कि भाई 10वीं तक पढ़ ली है अगर आप हो तो फिर दौड़ भाग करने के लिए नई पीढ़ी को लाना, कुछ तो नई पीढ़ी को लाना जरूरी है, और नई पीढ़ी आएगी तो नई पीढ़ी चाहेगी कि काम करो। हम ये नहीं चाह सकते हमारे क्षेत्र के अंदर कोई विकास ही ना हो, अगर कॉलेज ना बने, अगर फैक्ट्री ना लगे, अगर रोजगार ना मिले, तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। और एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को कि चले आके गुजरात लगा हुआ है, मध्य प्रदेश आपके साथ लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में 15 साल लग गए, 15 साल हो गए, 15 साल के अंदर कितना काया पलट हो गया है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां से अपन चले जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मेरा झालावाड़ बिल्कुल लगा है, और जब आप देखोगे वहां कि जब कुंभ हुआ उज्जैन के अंदर तो क्या कुंभ हुआ, कैसे नदी में पानी आया, कितना साफ कुंभ था, कितना सुंदर, जब लोग आए उस कुंभ के अंदर तो कितनी व्यवस्था अच्छी थी वो देखने को, दूर दूर से लोग आए। आज मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लग गई है, आपके रोड बन गए हैं, आपके एग्रीकल्चर के अंदर किसानों के लिए अलग अलग नई चीजें मिलने लगी है। ये सब चीज क्या अपने को राजस्थान में नहीं चाहिए? अपने को राजस्थान में ये चाहिए तो ये किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, उसके लिए समय लगता है। भाइयों हमको लगेगा आप चाह रही है आप घर बनाओगे तो घर भी 4 साल में नहीं बनता। आप जब तक नींव रखाओगे, जब उसको खड़ा करोगे, जब घर बनाओगे, एक सुंदर सा घर जब बनेगा तो उसके समय लगता है। 15 साल जिसको दे दिए हैं उसने तो आलीशान मकान बना दिया है अपने लोगों के लिए। और मैं ये कह रही हूं कि अब जरूरी हो गई है कि जब मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से जिता के अपने को लाना है और समय देना है, ताकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस तरीके से गुजरात के अंदर काया पलट हो गई है, उस तरीके से राजस्थान के अंदर भी हो जाए। किसी ने कहा, और ये कहने की बात है, मैं आप लोगों को लड़के लोगों को समझाना चाहूंगी, किसी ने कहा कि यहां तो क्या है, यहां एक बार ये और दूसरी बार वो और फिर अगली बार वो और फिर अगली बार वो। अब हम दोनों को बड़ी खुशी,
क्योंकि फिर हमें तो काम करने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि आपने इसको बना दिया अगली बार, उसके बाद तो फिर मेरा टर्न है, तो ये काम भी नहीं करेगा, मैं भी काम नहीं करूंगी, नुकसान।